राम भक्तों को महज 1500 रुपए में स्पेशल ट्रेन से अयोध्या धाम के दर्शन करवाएगी भाजपा। 25 फरवरी से 26 मार्च तक कालका से शुरू होगी राम जन्मभूमि के दर्शन करवाने वाली आस्था की ट्रेन। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल बोले, अयोध्या के सभी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के दर्शन भी करवाएंगे वॉलंटियर। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने सुक्खू सरकार के साल भर के शासनकाल में हेल्थ इंस्टीट्यूट की बदहाली को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। बाढ़ की आपदा के बाद केंद्र सरकार द्वारा अब तक 1782 करोड़ की मदद दिए जाने के बावजूद सुक्खू सरकार द्वारा मदद न मिलने का नैरेटिव सेट किए जाने की भी निंदा की। 5 शताब्दियों के लंबे इंतजार के बाद भगवान राम की नगरी अयोध्या में रामलला की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा के बाद भाजपा द्वारा महज 1500 रुपए में अयोध्या धाम के दर्शन करवाने की किफायती व बेहतर व्यवस्था की गई है। बीजेपी स्टेट वाइस प्रेसिडेंट एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने कहा कि शिमला संसदीय क्षेत्र के लिए आस्था की स्पेशल ट्रेन आगामी 25 फरवरी से 26 मार्च तक हर चलेगी। उन्होंने कहा कि केवल 1500 रुपए में न केवल राम भक्तों अथवा श्रद्धालुओं के आने जाने की बेहतर व्यवस्था की जाएगी बल्कि उनके खाने का प्रावधान भी होगा और अयोध्या में वॉलंटियर्स द्वारा सभी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के दर्शन भी करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में होने वाले भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लाइव दिखाने के लिए प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में एलईडी अथवा विशेष स्क्रीन की भी व्यवस्था की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री रह चुके डॉक्टर राजीव सहजल ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस अथवा सुक्खू सरकार के साल भर के शासनकाल में न केवल स्वास्थ्य संस्थानों में मूलभूत सुविधाओं की बेहद कमी हुई है बल्कि सरकारी उपेक्षा से डॉक्टर्स व पैरामेडिकल स्टाफ का मनोबल भी टूट रहा है। डॉक्टर को कम वेतन अथवा स्टाइपेंड दिए जाने, आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाले जाने, कृष्णा लैब व हिम केयर स्वास्थ्य कार्ड बंद होने की नौबत आने तथा सुक्खू सरकार द्वारा लास्ट ईयर कई हेल्थ इंस्टीट्यूट बंद किए जाने को उन्होंने लोगों की सेहत से खिलवाड़ बताया। बहरहाल एक तरफ जहां प्रदेश भर में श्रद्धालु भव्य राम मंदिर के दर्शनों के लिए आतुर है, वहीं भाजपा द्वारा ट्रेन अथवा दर्शनों की व्यवस्था किए जाने व मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू द्वारा कल की छुट्टी करवाए जाने से प्रदेश भर के राम भक्त संतुष्ट व उत्साहित है। पूरे देश का वातावरण जो है वो राममय हो गया है। 500 वर्षों के संघर्ष की परिणति राम मंदिर निर्माण और 22 तारीख को श्री रामलला जी महाराज श्री राम मंदिर में प्रतिष्ठित होंगे, विराजमान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस अवसर के ऊपर वहां उपस्थित रहेंगे। उनके शुभ करकमलों के द्वारा ये कार्य संपन्न हो रहा है और सम्मानीय प्रधानमंत्री जी की संकल्प शक्ति का नतीजा है कि श्री राम मंदिर भी बना और श्री रामलला जी वहां पर विराजमान भी हो रहे हैं। वर्षों वर्षों की हमारे देश के समाज की लोगों की जो एक अपेक्षा थी वो पूर्ण हो रही है। 21 तारीख तक सभी मंदिरों की, देवालयों की, मठों की, धार्मिक स्थानों की सफाई अभियान जो है वो पार्टी कार्यकर्ताओं ने सब समाज के लोगों को साथ लेकर के, सब जाति वर्ग के लोगों को साथ लेकर के, और ये अभियान जो है वो 21 तक चला हुआ है। 22 तारीख को मुख्य कार्यक्रम होगा और 25 जनवरी से लेकर के 26 मार्च तक राम भक्तों को अयोध्या ले जाने की बहुत सुंदर श्रेष्ठ व्यवस्था पार्टी ने की है। अगर मैं अपने पार्लियामेंट की बात करूं और इस पार्लियामेंट में एक और जिला जुड़ जाता है, किन्नौर जिला, हमारे 4 जिले जो हैं कालका से आस्था ट्रेन्स के माध्यम से 25 जनवरी से लेकर के 26 मार्च तक भक्तों को ले जाने की व्यवस्था अयोध्या की होगी। 1500 रुपया शुल्क है, आने जाने का, खाने का सब शुल्क इसी में शामिल है और वहाँ श्री राम जी के दर्शन की बहुत सुंदर व्यवस्था जो है वहाँ जो वॉलंटियर्स लगे हैं उनके द्वारा की गई है। अयोध्या भ्रमण और वहाँ के जो प्रमुख तीर्थ स्थान हैं उनको भी दर्शन की व्यवस्था जो है वो पार्टी ने करवाने की व्यवस्था की है। जिस ट्रेन से राम भक्त जाएंगे उसी ट्रेन से वापिस आएंगे और मैं देख रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त उत्साह पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर हर व्यक्ति जो है इस पुण्य का भागी बनना चाहता है, इस सौभाग्य को अर्जित करना चाहता है, अपने जन्म को सफल करना चाहता है अयोध्या जी के दर्शन करके, वहाँ की मिट्टी को अपने माथे से लगा करके और श्री राम जी के दर्शन करके सब कृतकृत होना चाहते हैं। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स का मनोबल जो है वर्तमान सरकार के कार्यकाल में गिरा है। ना सिर्फ डॉक्टर्स का मनोबल गिरा है, जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारे प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में जो कार्यरत है, जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है और अन्य और भी अगर हम स्टाफ की बात करें तो एक
कम्युनिकेशन गैप जो है, बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप सरकार के बीच में और अधिकारियों के बीच में, कर्मचारियों के बीच में जो है वो खड़ा हो रहा है। और हम सब जानते हैं इस सरकार ने डॉक्टर्स का मनोबल जो है, उनका एनपीए बंद करके डॉक्टर्स का मनोबल तोड़ने की उन्होंने बात की है। पैरामेडिकल स्टाफ के, नर्सिंग स्टाफ के लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज हैं जिसके ऊपर सरकार जो है कोई कार्यवाही, कोई बातचीत जो है वो उनके साथ नहीं कर रही है। आपदा के समय में मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, अपने प्रधानमंत्री जी का। 1782 करोड़ रुपया जो है वो प्रदेश को भिन्न भिन्न इंस्टॉलमेंट्स के माध्यम से केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार की, हिमाचल प्रदेश की मदद की है, यहाँ के लोगों की मदद की है। और लेकिन बार बार मुख्यमंत्री जी का, मंत्रियों का और इनके विधायकों का ये राग अलापना कि केंद्र से कोई सहायता, एक गलत नैरेटिव जो है बनाने का प्रयास जो है वो कांग्रेस की सरकार, इसके नेता जो है वो कर रहे हैं।